अली बाबा और 40 चोर। बहुत साल पहले पर्सिया के एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बड़े बेटे कासिम, जो कि लालची व्यक्ति था, उसने सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया, जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरी जगह जाकर रहने लगे और गरीबी में जीवन बिताने लगे। अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट कर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। यह सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसने 40 घुड़सवार को जंगल में से गुजरते हुए देखा। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देखने लगा। उसने देखा उन सभी घुड़सवार के साथ एक पोटली थी और उनके पास खंजर भी था, जिससे अली बाबा समझ गया कि यह सब चोर है। वो उन सभी को देख ही रहा था कि वो सब 40 चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गए। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर खुल जा सिम सिम बोला, जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाजा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए और वो दरवाजा बंद हो गया। ये सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हो गया। वो उस पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय देख रहा था कि वो खुफिया दरवाजा फिर खुला और उसमें से 40 चोर निकले। उनके सरदार ने पहाड़ी से कहा कि बंद हो जा सिम सिम, जिसके बाद वो खुफिया दरवाजा बंद हो गया और 40 चोर वहां से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस पहाड़ के खुफिया दरवाजे के अंदर क्या है। वो यह जानने के लिए उस पहाड़ के पास गया और जो चोरों के सरदार ने शब्द बोले थे वही शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम। उसके यह बोलने के बाद दरवाजा फिर खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। वो यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसको समझ आ गया था कि सभी चोर अपनी चोरी और लूट का माल उस पहाड़ी की गुफा में छुपाते हैं। उसने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भरे और बंद हो जा सिम सिम बोलकर उस गुफा का दरवाजा बंद करके वहां से चला आया। उसने यह सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताए और वह सिक्के दिखाए।